नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ ओ माई गॉड 2 की रिलीज डेट के बारे में और कुछ नई खबर है। भगवान शिव के अवतार में नजर आए अक्षय कुमार, जानिए किस दिन रिलीज होगी ओ माई गॉड 2। अक्षय कुमार और यामी गौतम स्टारर फिल्म ओ माई गॉड 2 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। अक्षय कुमार ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर करके बताया कि ये मूवी कब रिलीज होगी। साल 2012 में रिलीज हुई अक्षय कुमार और परेश रावल स्टारर ओ माई गॉड बड़ी हिट साबित हुई थी। अब ओ माई गॉड की सफलता के 11 साल बाद अक्षय कुमार सोशल कॉमेडी ओ माई गॉड 2 के साथ वापस आए हैं। पहले पार्ट में अक्षय कुमार को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया था, वही ओ माई गॉड 2 में अक्षय भगवान शिव के किरदार में नजर आएंगे। अब तक फिल्म के पोस्टर ने प्रशंसकों को काफ़ी प्रभावित इम्प्रेस किया है। ओ माई गॉड 2 में अक्षय कुमार, यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी प्रमुख भूमिकाओं में है। वही अब अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नया पोस्टर शेयर कर फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज की तारीख अनाउंस कर दी है। अक्षय कुमार ने ओ माई गॉड 2 की रिलीज डेट की अनाउंस। शुक्रवार की सुबह अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुलासा किया कि फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अक्षय कुमार ने लिखा, आ रहे हैं हम, आइए आप भी। 11 अगस्त एक्टर ने ओ माई गॉड 2 का एक नया पोस्टर भी जारी किया जिसमें उन्हें भगवान शिव के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर में इसके ऊपर हिंदी में रिलीज की तारीख लिखी हुई है जिसके नीचे OMG 2 लिखा हुआ है। बीच यामी गौतम ने भी यही पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा, तारीख लॉक है, ओ माई गॉड 2 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, वहाँ मिलते हैं। ओ माई गॉड 2 सामाजिक मुद्दे पर फोकस्ड है। ओ माई गॉड 2 भारत में सेक्स एजुकेशन के बैकड्रॉप के खिलाफ सेट की गई है। अश्विन वर्दे वोकॉम 18 और जियो स्टूडियो ओ माई गॉड 2 के प्रोड्यूसर है। अक्षय कुमार ने मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2021 में फिल्म की शूटिंग शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर को शेयर किया था और लिखा था, करता करे ना करे, शिव करे सो होए, ओ माई गॉड 2 के लिए आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की ज़रूरत है। एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर प्रतिबिंब करने का हमारा ईमानदार और विनम्र प्रयास, हर हर महादेव, हमें इस यात्रा के माध्यम से आशीर्वाद दे। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस, एक साथ भिड़ेंगे OMG 2 एनिमल और गदर 2 होगी इस साल की सबसे बड़ी टक्कर। बॉक्स ऑफिस एक साथ भिड़ेगी OMG 2 एनिमल और गदर 2 होगी इस साल की सबसे बड़ी टक्कर। बॉक्स ऑफिस पर अगस्त के दूसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर इस साल का सबसे बड़ा कलेश देखने को मिलने वाला है। दरअसल 11 अगस्त को सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर गदर 2 रिलीज हो रही है। उसी दिन अब अक्षय कुमार स्टारर OMG 2 और रणबीर कपूर की एनिमल भी रिलीज हो रही है। अक्षय कुमार स्टारर OMG 2 पहले 23 मई को OTT पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने बड़ा दाव खेलते हुए इसे थिएटर में रिलीज करने का फैसला किया है। यही नहीं, OMG 2 की अब नई रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। अक्षय कुमार और फिल्म की टीम ने शुक्रवार 9 जून को ट्विटर पर OMG 2 का नया पोस्टर शेयर किया है और साथ में लिखा है कि फिल्म अब 11 अगस्त को थिएटर में रिलीज होगी। पोस्टर में अक्षय कुमार भगवान शिव के अवतार में डमरू बजाते नजर आ रहे हैं। लंबी जटाएँ खुली हुई और शरीर व चेहरे पर भस्म लगी है। भगवान शिव बने अक्षय, अरुण गोविल बने राम। ओ माई गॉड में पहले अक्षय कुमार भगवान कृष्ण बने थे, अब परेश रावल उनके भक्त के रोल में दिखे, लेकिन दूसरे पार्ट में अब परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी है। वही अक्षय इस बार भगवान शिव के रोल में है। OMG 2 में रामायण फेम अरुण गोविल भगवान राम के रोल में नजर आएंगे, इसमें यामी गौतम भी है। वहीं रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर एनिमल भी 11 अगस्त को ही थिएटर में रिलीज होने वाली है। मालूम हो कि पहले से 11 अगस्त को सिर्फ गदर 2 की रिलीज कंफर्म थी, लेकिन अब OMG 2 और एनिमल भी उसी दिन रिलीज को तैयार है। अब तक ऐसा होता आया था कि कोई भी बड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक दिन टकराने से बचती थी। बहुत ऐसे मौके रहे जब इस वजह से कोई फिल्मों की रिलीज डेट में फेरबदल हुआ। हालांकि कई ऐसे भी मौके रहे जब एक साथ बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई, लेकिन इनमें से एक चली तो दूसरी औसत या फीसदी रही। अब ऐसे लंबे अरसे से पहली बार हो रहा है जब एक ही दिन बॉक्स ऑफिस पर तीन बड़ी फिल्म आपस में टकराएगी। 22 साल पहले गदर भी भिड़ी थी लगान। करीब 22 साल पहले गदर एक प्रेम कथा थिएटर में रिलीज हुई थी, तो साथ में आमिर खान स्टारर लगान भी रिलीज हुई थी। बेशक दोनों ही फिल्में भारतीय सिनेमा की आइकॉनिक फिल्में मानी जाती है, लेकिन कमाई और रिकॉर्ड के मामले में गदर ने लगान को पछाड़ दिया था। लगान को हिंदी सिनेमा की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक माना जाता है। अब देखना यह होगा कि 11 अगस्त को OMG 2 एनिमल और गदर 2 में से किसका पल्ला भारी रहेगा और कौन कमाई करेगा। वैसे अक्षय कुमार की बीते एक साल में रिलीज हुई फिल्मों का हाल रहा, जो उसे देखकर
मानना पड़ेगा कि एक्टर ने गदर से टक्कर लेने का बड़ा रिस्क उठाया। अक्षय की पिछली कुछ फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप रही, वहीं रणबीर कपूर की पिछली फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया है और पसंद भी की गई है, जबकि सनी देओल के गदर 2 का तो लोग पिछले 22 सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।